तो देखो, आज मैं जो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि आज एक स्टूडेंट हैं जो रविंद्र जी हैं, इनका सामान आया है। मतलब इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप के लिए सामान मंगाया है। तो ये टोटल इसमें क्या क्या सामान उन लोगों ने मंगाया है उसके लिए बारे बताता हूँ। दूसरी बात का, ये मशीन है जो एक मशीन उन्होंने मंगाई है ग्लास चेंज करने की। मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता है, अगर उसका टच फूट जाता है, ग्लास फूट जाता है, तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, पंचिंग कैसे करेंगे, उस मशीन को पूरा चलाना भी बताएंगे और मशीन के बारे में पूरा ए से लेकर जेड तक बताएंगे। ये मशीन जो होता है ये समथिंग 12-13 हज़ार रुपये का मशीन आता है, 12-13 हज़ार रुपये का। ये देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं M1 Pro। ये एम ट्रेंगल कंपनी का मशीन होता है। कौन सी कंपनी का मशीन होता है? एम ट्रेंगल कंपनी का मशीन होता है। इसके बाद में ये जैसे इसके साथ में मल्टीमीटर हैं, ये अलग चीज़ें हैं। नहीं, सेट नहीं आता है। ये एक हॉटगन मशीन है जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो गर्म हवा देते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं ना जो कहते हैं सर हमको ये कंपनी की मशीन चाहिए, ये कंपनी की मशीन चाहिए, तो हम लोग उनको मंगा देते हैं। उसके बाद देखो, एक ये मोटर है। ये जो मोटर होती है ये सेपरेटर में लगी होती है। किस में लगी होती है? सेपरेटर में। सेपरेटर नहीं है जो तो वैक्यूम को सक करता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो ये मोटर की यूज करते हैं, नया मोटर डाल देते हैं। यह नया मोटर जो रहता है 400-500-600 रुपए का मोटर रहता है, तो हम लोग डाल करके। इसके ख़राब होने से ये भी रहता है कि जो सेपरेटर हमारा किसी कामों को नहीं पकड़ता, किसी कामों को नहीं पकड़ता, साथ में नहीं आता, ये सब मंगाना होता है। ये देखिए, एक सर का बूट केबल आया हुआ है, जो सर ने बूट केबल मंगाया है, जिसके माध्यम से आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये iOS केबल होते हैं। हाँ, आईफोन एंड्रॉयड दोनों बेस पर दिया हुआ, मतलब आईफोन का भी है एंड्रॉयड का भी है। इसमें केबल्स होती हैं, प्लस माइनस केबल मोबाइल फ़ोन में लग जाते हैं। ये सप्लाई केबल मोबाइल फ़ोन के बोर्ड पर लग जाता है। इस बोर्ड को हमने इस पर लगा दिया। इस बोर्ड को लगाने के बाद एक सर ने देखिए ये सेपरेटर मंगाया है जो डिस्प्ले टच कटिंग करने का काम आता है। और कहाँ है? हाँ, ये डोंगल भी आया है। अब देखो, इसका हम लोग यूज भी कर लेंगे और आपको चलाने का तरीका भी सिखा देंगे, ठीक। ये सेपरेटर जो मशीन आती है, इस सेपरेटर मशीन को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये पावर ऑन ऑफ का स्विच होता है, ये वैक्यूम होता है चालू बंद करने के लिए। कौन सी? हाँ, ये छोटी वाली है। इस मशीन को चलाने के लिए क्या करना है, इसको पावर कोड पीछे लिया और इसको हम लोग किस में लगा देंगे, उसमें लगा देंगे, बोर्ड में लगाइए। जरा हटना, थोड़ा और थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर आओ, लगाओ इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये मशीन चालू हो गई। ये वैक्यूम के लिए, ये हीटिंग के लिए दिया हुआ। किसके लिए दिया हुआ है? ये हीटिंग लिखा है, हीटर, ये लिखा वैक्यूम। यहाँ पर सेट करने के लिए तुम कितने पर सेट करना चाहते हो, जैसे कितने पे? 100 पे सेट है, तो आप क्या करोगे, 100 पे सेट करोगे और ये ऊपर 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे टेम्परेचर का बढ़ता हुआ जाएगा। ये गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसके लिए एक रबड़ आती है, इस रबड़ में आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आएगा, कोई मोबाइल फ़ोन है किसी के पास? लाओ मैं काम्बो खोल करके बताता हूँ तुमको। हैं, काम्बो नहीं खोलना, तो कैसे सीखोगे? देखो, आप इसका काम्बो खोल के दिखाएंगे इस मशीन से, ठीक। ये पूरा पकड़ लेता है, ठीक। इसका काम होता है ये पकड़ लेगा, फिर इसके माध्यम से क्या कर देते हैं, ऐसे कटिंग कर देते हैं, ठीक। देखो, वैसे उठाएंगे टाइट लगता है, लेकिन जब आप ऐसे खींचेंगे तो देखो बहुत मेहनत लगता है। तो काम्बो को जब पकड़ते हैं ना, तो ऐसे कटिंग करनी होती है, तो इसकी जो पकड़ने की ग्रिपिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, वो हाई हो जाती है। ये मशीन गर्म भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये हीट हो रहा है। आप चेक करेंगे, पहले 30-32 पे चालू हुआ था, क्यों? क्योंकि 30-32 का टेम्परेचर तो यहाँ खुद का ही है, तो ये अपने मन से ही 30-32 बता रहा है। हटा दो, प्लग हटा दो,
अब देखो हम लोग बड़ी मशीन के बारे में सीखेंगे, इससे काम्बो पंच भी हो जाता है। अब तुम्हारा इसका ग्लास चेंज करके दिखाएंगे। देखो ये हमारा जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास चेंज करने के लिए मशीन का यूज करते हैं जी। इस मशीन को ये मशीन के अंदर ये पूरा बबल रिमूवर है। क्या है? बबल रिमूवर है। इस मशीन को हम पन्नी को खोलेंगे ऐसे। इस बबल रिमूवर के अंदर ये तुम्हारा रोटेटर स्विच दिया है, ये इसका वॉच दिया हुआ है। आप इससे लगा करके आप इसमें सिलेंडर को भी चला सकते हैं। इसमें ऐसे लगा देंगे और इसमें लगा देंगे तो सिलेंडर से भी चल जाएगा। अगर सिलेंडर नहीं चलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फीचर दिया है। हाँ बिना सिलेंडर लगाए ये बबल रिमूवर काम करेगा? हाँ बिना सिलेंडर कराएगा, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है, ये इनबिल्ट वाला आया हुआ है। आप देखिए आप क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल फोन आएगा, इस मोबाइल फोन को लेंगे इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर ये पावर केबल निकलती है, पावर केबल को उधर लगाओ। ये पावर केबल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे लगा देंगे। लगाओ ये मशीन हमारा चालू हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी टेम्परेचर शो करता है। क्या काम करता है ये? टेम्परेचर शो करता है। जैसे आप देखेंगे टेम्परेचर बता रहा है, 36 टेम्परेचर बता रहा है। आप इसको भी सेट करना चाहो सेट कर लोगे। ज़्यादातर हम लोग मोबाइल फोन में ग्लास पंचिंग करने के लिए हम लोग 80 टेम्परेचर रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 80 तक टेम्परेचर को रख लेते हैं। उसके बाद अब टेम्परेचर कहाँ पर काम करता है, ये इसके अंदर लगा होता है, ये प्लेट होती है जो अंदर गर्म होती है। इसके माध्यम से आप चाहो तो मोबाइल फोन खोलने का भी काम कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन के पीछे का बैक ग्लास खोलना है, तो बैक ग्लास खोलने के लिए आप अपना फोन लाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा चेक करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि रबड़ जो थी ना, रबड़ उल्टा लग गई थी, तो उल्टा लगने की वजह से प्रेशर नहीं बन रहा था। हम लोगों ने रबड़ को चेंज किया है, मतलब बदल के दूसरी साइड लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ बिल्ट इन कंप्रेसर, जैसे इसको चालू करेंगे अगर 7 पे लगा देंगे तो 7 जाएगा, 6 पे लगा देंगे तो 6 तक प्रेशर जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, लॉक करने पर ऐसे स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसमें प्रेशर बनना शुरू हो गया है, ये प्रेशर तक जाएगा और इसके अंदर हवा भर रही है। जैसे हवा इसमें जाएगी 6 तक जाएगी तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। देखो 6 तक गया ना, ये अपने मन से बंद हो गया। बंद होने का मतलब इसके अंदर प्रेशर भरा हुआ है, इसके अंदर हवा का इतना दबाव है। अब इस हवा के दबाव को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। क्या करिए? 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट को छोड़ने के बाद आप इसमें आराम से काम करिए। इस मशीन के ऊपर आप रबड़ मैट लगा दीजिए, आप इसी में काम करो। साफ तो इसमें हवा जैसे कम हो जाएगी तो फिर अपने मन से चालू हो जाएगा, मतलब उतने से दबाव कम नहीं होने देगा। जैसे फिर हवा हल्की से कम हो जाएगी तो फिर चालू हो जाएगी। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 5-6 मिनट के लिए काम्बो को छोड़ दीजिए। 5-6 मिनट के अंदर काम्बो को बिल्कुल सारे बबल्स बाहर निकाल देगा और काम्बो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा और अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। ये हवा इसकी बाहर निकल गई, आप काम्बो को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ये प्लेट देखिए गर्म हो जाती है, प्लेट गर्म कर डाली नहीं है ना डालो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा रहता है डाल दो फिर काम वो निकलता नहीं है, फिर मशीन को तुमको ऐसा उल्टा करना पड़ेगा तब काम वो निकलेगा। इसमें रख देते हैं ट्रे की तरह चली जाती है, फिर इसको बाहर निकाल देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसको बाहर निकाल देते हैं ऐसे, बंद हो जाता है। 5 पावर ऑफ कर दो। तो हम लोगों ने इस मशीन के बारे में सीखा है, और एक सेपरेटर मशीन आती है वो है, ये बूट केबल है, ये सर ने इतना सामान सारा सब कुछ मंगाया है। दूसरी बात क्या है कि ये जितने भी सारे जो लोग स्टूडेंट होते हैं, जो लोग अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान करते हैं या काम करते हैं, तो उनको काम करने के लिए कुछ 4-5 मशीनों की जरूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहली चीज़ जो जरूरत पड़ती है, अगर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो उनके लिए एक डोंगल की जरूरत पड़ती है। इस डोंगल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन को हम लोग लॉक खोल सकते हैं, ये अनलॉकिंग के काम में आता है। उसके बाद ये जो आता है, ये हमारा पंचिंग करने के काम आता है, कि मतलब जो भी होता है उससे हम पंचिंग कर सकते हैं। ये हमारी बूट केबल आती है, जिससे डीसी सप्लाई मशीन से हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उसको क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं।
ये अलग से एक्सटर्नल कंप्रेसर लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आज सर का सामान आया है, तो सर सर आप इधर जाइए थोड़ा सा। तो आज सर का आवाज़ नहीं आ रहा है, कल से मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से आवाज़ निकलना बंद हो गया है। और सर को मेरे पास कम से कम 10-12 दिन क्लास करते करते हो गया समथिंग। इन्होंने अपना वहाँ से सोच करके आए थे कि सर हमको जितना जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करना है। और सर ऑलरेडी टीवी है, LCD है, स्मार्ट TV है, इसका बहुत अच्छा काम जानते हैं ऑलरेडी। इतने साल से इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उन्होंने देखा कि टीवी का काम थोड़ा सा कम है, या हमारे पास काम तो आता है लेकिन हम एक ही दो टीवी बनाते हैं और बाकी सारा दिन बैठे रहते हैं, तो क्यों ना हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का भी काम सीख लें और हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी बनाने के लिए आएंगे तो हम उसको भी बनाएंगे। क्योंकि रिपेयरिंग करने का मतलब होता है आपको जितना से ज़्यादा डिवाइस आएगा उतना ज़्यादा आपको काम आएगा, जितना ज़्यादा काम आएगा उतना डिवाइस आएगा उतना ही ज़्यादा कहीं गुना आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जितने भी सारे लोग हैं वो एक एक दो दो तो छोड़ो तीन तीन चार चार काम को करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि अगर आपको शॉप को अच्छे से चलाना है या उसमें कई गुना ज़्यादा काम करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम के बारे में सीखना पड़ेगा। तो सर अपना एक्सपीरियंस बताइए और थोड़ा सा जितने भी सारे जो नए लोग हैं ना, नए लोगों को और ये गाइड करिए कि नए लोग सीखने के बाद तुरंत परेशान होने लगते हैं, तो इनको क्या चीज़ ऐसा पेशेंस करना चाहिए और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि ये लोग सीख करके एक अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करें। क्योंकि आदमी लाइफ में उस एक्सपीरियंस उसी चीज़ को शेयर करता है, एक्सपीरियंस वही शेयर करता है जिसको एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? एक्सपीरियंस के लिए समय गेन करना पड़ता है, मतलब समय देना पड़ता है, मार्केट में काम करना पड़ता है, फील्ड में 10 चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है। सर बताइए अपने बारे में कुछ जो सर आपने सीखा हुआ है या और ये लोग हैं ये सीख करके अपना काम करेंगे तो इनको इस लाइन में क्या चीज़ ऐसा है जो फोकस करना चाहिए इस लाइन में काम करने के लिए? टाइम देना पड़ेगा। हाँ तो उसको तो ध्यान देना पड़ेगा, इधर उधर भटकने से काम नहीं होगा। हाँ ध्यान दे के काम करना पड़ेगा। सर आप कितने आप माइक बोलिए कितने साल से आप इस लाइन में काम कर रहे हैं? 30 साल से काम कर रहे हैं। अगर सर को मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली अगर मोबाइल फ़ोन में काम करेंगे तो इनको पार्ट्स नहीं दिखता। सर ने जो रिपेयरिंग का जो सेटअप बना रखा है बहुत अच्छा सेटअप है, सामने कैमरा लगा हुआ है, सामने बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, तो कोई भी चीज़ जो यहाँ पर रिपेयरिंग LCD का भी छोटा छोटा सामान होता है ना। हाँ वो दिखने के लिए सब लगाया है। तो LCD में कहाँ तक आप काम कर लेते हैं, क्या क्या काम कर लेते हैं? पूरा काम कर लेते हैं। डिस्प्ले का पूरा काम कर लेते हैं, बोर्ड का पूरा काम कर लेते हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का काम होता है, प्रोग्रामिंग तक का सारा कुछ काम कर लेते हैं। स्मार्ट टीवी में तो प्रोग्रामिंग का काफी काम होता है, वो बहुत आता नहीं है अभी तो मार्केट में भी कम पैसा में मिलता है, अभी नया नया लॉन्च किया है वो तो वारंटी भी कंपनी देता है। हाँ कभी कभी आता है एक दो पीस हो जाता है। तो इस तरह के सर का ऑलरेडी रिपेयरिंग के लाइन में जुड़े हैं और अपना शॉप भी है, तो आप जा करके ये सर ने पूरा सामान मंगाया है, मतलब मोबाइल LCD स्मार्ट टीवी का तो पूरा सेटअप था। हाँ सेटअप है। हाँ सर मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट स्कोप है सब है, तो सामान नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। हाँ तो उनके लिए सर के पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी कि उनके पास ये बबल की मशीन नहीं थी और एक जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को चेक करने के लिए बूट केबल नहीं था, DC सप्लाई मशीन वगैरह सारा सब कुछ काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि उनको पता है किसी चीज़ को कोई भी जब मैं कहता हूँ कि DC सप्लाई मशीन आती है 0 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक करंट दे सकती है, अब उसका आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करें, उसको मोबाइल फ़ोन है, TV है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहे उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन इससे फ़ायदा हमको ये रहता है कि हम सारे डिवाइसों को चेक कर पाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में 4 वोल्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इस बूट केबल के माध्यम से जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को हम लोग चेक कर पाते हैं। तो एक सर ने अपने बबल रिमूवर मशीन मंगाया हुआ है और एक सेपरेटर मंगाया हुआ है और बाकी सारा काम मोस्टली इनके पास ऑलरेडी है, वही काम आ जाएगा। आयरन है, कहिया है, सोल्डिंग पेस्ट, शॉटगन मशीन, टूल, वो सारा सब कुछ है, यहाँ तक कि आयरन वगैरह बहुत अच्छा अच्छा आयरन है जिन्होंने ले रखा है क्योंकि रिपेयरिंग के लाइन से जुड़े हैं। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग रिपेयरिंग के लाइन में जुड़े रहते हैं, रिपेयरिंग के लाइन में काम करते हैं, तो उनको किसी और चीज़ में काम करने में मन नहीं लगता, वो रिपेयरिंग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी जिस लाइन में अपना 30-40 साल दिया हो, 30-40 साल देने का मतलब क्या होता है, अपनी ज़िंदगी की आधी तपस्या से भी ज़्यादा होती अगर अपने लाइफ में देता है तो आदमी उसी लाइन में काम करता है। और आज समझ लीजिए रिपेयरिंग का बहुत अच्छा काम है, कम से कम नहीं है तो हज़ारों रुपए के रिपेयरिंग डेली का करते हैं, लेकिन अपना समय निकाल करके सीखा हुआ है ताकि इन सब चीज़ों को अपडेट हो जाएंगे तो हमारे पास ये भी चीज़ें बनने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे बन जाएगी, बन करके जाएंगे। तो सर के लिए स्पेशल थैंक्स। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी काम करें, कभी कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती है तो आप हमें कॉल करेंगे, पूछेंगे, आपको हमारी तरफ से हमेशा हेल्प मिलेगी।
और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमको बीच में एक दिन दो दिन तीन दिन आना है या कोई नया टेक्नोलॉजी आया है तो उसको समझने के लिए आना है तो भी आप बिल्कुल बेशक आ सकते हैं और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके जा सकते हैं। तो थैंक यू सबके लिए।